नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी जो आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सिलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं जो नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, आज लेके आया हूँ मैं ITBP ट्रेडमैन एनिमल ट्रांसपोर्ट के एंड ड्राइवरों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण पर्सन लेके आए हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो पर्सन लेके आता हूँ जो आपकी आने वाली ITBP ट्रेडमैन ड्राइवर ट्रांसपोर्ट CISF CRPF BSF के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। दोस्तों, किसी पर्सन में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। तो दोस्तों, आज का पहला पर्सन है पेन अनुपात लेखक, समा अनुपात, सुई अनुपात, पर्सनवाचक चिन्ह। तो दोस्तों, पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि पेन और लेखक का जो संबंध है वही संबंध होना चाहिए सुई और पर्सनवाचक के स्थान पर आए वो। तो ए ऑप्शन है दर्जी, बी ऑप्शन है धागा, सी ऑप्शन है सिलाई मशीन और डी ऑप्शन है सिलाई। तो दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि दर्जी। यानी कि पेन का उपयोग कौन करता है, लेखक करता है, उसी प्रकार सुई का उपयोग कौन करता है, दर्जी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्ता अनुपात श्रोता, समानुपात फिल्म अनुपात, पर्सनवाचक चिन्ह। तो दोस्तों, जो संबंध वक्ता और श्रोता के मध्य है वही संबंध फिल्म और पर्सनवाचक के स्थान पर जो आएगा उसके मध्य होना चाहिए। तो दोस्तों, ए ऑप्शन है अभिनेता, बी ऑप्शन है दर्शक, सी ऑप्शन है आलोचक और डी ऑप्शन है प्रसारणकर्ता। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति वक्ता होता है तो वक्ता का तब महत्व होता है जब कोई ना कोई सुनने वाला या श्रोता हो, तब ही वक्ता का महत्व होता है। उसी अनुसार फिल्म को अगर दर्शक ही नहीं होंगे तो फिल्म का क्या महत्व होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दर्शक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:56, समानुपात 9:9, पर्सनवाचक चिन्ह। तो दोस्तों, जो संबंध 7 से बना है 56 है, उसी प्रकार 9 से बनेगा क्या, जो पर्सनवाचक के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 9 से ही बनेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप अपने यार दोस्तों को भी इस चीज़ का बेनिफिट दे सकें। तो दोस्तों, कैसे होगा ये हल बताओ दे, कैसे होगा ये हल। ये हल होगा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा, 56, 7 × 2 = 56। उसी प्रकार 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना होता है, 9 × 72। तो बेहतर किस ऑप्शन में है, बेहतर किसी ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों, ये तरीका नहीं लगाएंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे। 7 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो कितना हो गया, 56, क्योंकि 7 के नेक्स्ट अगली संख्या कौन सी होती है, 8 होती है। उसी प्रकार 9 के अगली संख्या कौन सी होती है, नेक्स्ट संख्या 10, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो 90 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बताओ दोस्तों, कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे दे रखा है एक सर्किल, यहाँ पे 3 है 4 है 2 है और 5 है, इन सभी का प्रयोग करके ये 26 बना है। उसी प्रकार 4 5 3 6 का प्रयोग करके ये 42 बना है। तो उसी प्रकार 4 6 5 7 का प्रयोग करके यहाँ पे पर्सनवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बताओ दोस्तों, कौन सी संख्या आएगी, देखिए बताओ कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, बताओ बताओ, देखिए कौन सी संख्या आएगी। चलो मैं हल करवाता हूँ इसको,
क्या करता हूँ मैं, हल करवा देता हूँ इसको। तो दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 चौका 20 प्लस 3 दूनी 6 कितना हो गया, 20 प्लस 6 कितना हो गया 26, जो 26 ये हो गया। उसी प्रकार 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही 30 प्लस 4 3 12, 12 और 30 कितना हो गया 42, कितना हो गया 42। उसी प्रकार 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 4 × 5 बराबर कितना हो गया 20, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 और 6 कितना होता है 42, तो 42 प्लस 20 कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। तो 64 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो दोस्तों फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, यानी कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 को किया गया है 4 से 20, 20 और 6 कितना हो गया 26। उसी प्रकार 4 को किया गया है 3 से और 6 को किया गया है 5 से, 5 ही 31 और +12 यानी कि 42। उसी प्रकार 7 को किया गया है 6 से, 7 ही 42 और 4 को किया गया है 5 से, तो 42 प्लस 20 कितना हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों कौन सी संख्या आएगी बताओ, देखें एक सर्किल है, सर्किल में लिखा है 3 5 7 1, इनका प्रयोग करके क्या बनाया गया है 16। उसी प्रकार 5 8 2 3 का प्रयोग करके बनाया गया है 20। फिर 4 11 3 और 7 का प्रयोग करके यहाँ पे प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या है ये बताना है दोस्तों, क्या करना है बताओ, देखिए क्या करना है इसका, कैसे होगा ये हल, चलो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे इसको, हल हल कैसे करेंगे बता देता हूँ आपको मैं। यानी तो दोस्तों 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, 8 में +7 कितना हो गया दोस्तों 8 7 15, और यहाँ पे जो ये अंक है इसका क्या करना है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो कितना हो गया 8 और 7 15, 15 रेख 16, तो ये 16 बन गया। उसी प्रकार 3 प्लस 5 8, 8 8 16, 16 में इसका क्या करना है स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 16 कितना हो गया ये 20 20 बन गया। उसी प्रकार 7 प्लस 4 11, 11 11 22, और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 22 और 9 कितना होगा 31, तो 31 किस ऑप्शन में है, 31 ऑप्शन में है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको, 3 में प्लस किया गया है 5, 5 में प्लस किया गया 7 कितना हो गया 15, 15 में इसका स्क्वायर करके जोड़ा गया तो कितना हो जाएगा 16। उसी प्रकार 3 5 8, 8 8 16, इसका स्क्वायर किया गया है 4, 16 4 20। उसी प्रकार 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, 11 11 22, इसका स्क्वायर 9, तो 22 और 9 कितना हो गया 31, तो 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बताओ दोस्तों कौन सी संख्या आएगी रिक्त स्थान पर, संख्या दी गई 8 15 29 57 113, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी बताओ, देखिए चलो मैं हल करवा देता हूँ, 8 को मल्टीप्लाई किया है 2 से बराबर 16, 16 में से -1 किया तो 15 आ गया। उसी प्रकार 15 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 2 से, तो कितना गया 15 दुआ 30 -1 तो कितना हो गया 29। उसी प्रकार 29 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 2 से बराबर 29 का कितना हो गया दोस्तों 58, 58 में से -1 किया तो कितना हो गया 57। उसी प्रकार 57 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो गया दोस्तों 114 -1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 100, ये 114 है -1 है तो 114
13। उसी प्रकार 113 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बराबर कितना हो जाएगा, 113 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 226 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 225। तो 225 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर से रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 1 गया तो 15, उसी प्रकार 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30, 30 में से 1 गया तो 29, 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 58, 58 में से माइनस 1 किया तो 57, उसी प्रकार 57 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 114, 114 में से माइनस 1 किया तो 113, और अब 113 को मल्टीप्लाई करना है 2 से तो कितना हो गया 226, 226 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 225, तो 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो दोस्तों रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताओ। देगी संख्या दे रखी है 594, 198, 66 और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताओ। देगी तो दोस्तों इसमें किया गया है, इसे हल करवा देता हूँ मैं आपको, 594 डिवाइड किया गया है 3 से, अगर 594 में 3 का भाग देंगे तो कितने बार क्या होगा दोस्तों, कितने बार पूरा पूरा जाएगा, 5 में 3 का भाग जाएगा 1 बार, बच गया 2, 39 27 बच गया 2, 38 24, यानी कि 198 बार पूरा पूरा गया। फिर इसको 198 को डिवाइड किया गया है 3 से तो कितनी बार जाएगा, 36 18, 36 18 66 बार। फिर 66 को डिवाइड किया गया 3 से तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो क्या होगा 22, जो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों 22, और 22 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, यानी कि 5 3 8 का प्रयोग करके बनाया गया है 256, उसी प्रकार 11 7 प्लस ये प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी जो संख्या, उन तीनों का प्रयोग करके बनाया गया 676, तो दोस्तों कैसे हल होगा ये बताओ। देखिए चलो मैं करवा देता हूँ इसको हल, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16, तो ये कितना हो गया इनका योग 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो यानी इन तीनों संख्याओं का योग करके क्या किया गया है, वर्ग किया गया है या स्क्वायर किया गया है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों, उसी प्रकार 11 11 प्लस 7 कितना हो गया 18, 18 में कौन सी संख्या जोड़ें, यानी कि 18 में कौन सी संख्या जोड़ें कि 26 हो जाए, यानी कि 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, तो 18 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, कितना होता है 676, तो कितना प्लस किया प्रश्नवाचक के स्थान पर 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो दोस्तों कैसे भी करके, यानी कि 18 36 90 26 65 13 75 15 प्रश्नवाचक चिन्ह, तो दोस्तों कैसे है इसको हल करना है, यानी कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कैसे आएगा, तो दोस्तों इस 18 का भाग दिया गया, यानी कि सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ी संख्या में भाग दिया गया है, कितनी बार गया 5 बार, इसको कितनी बार गया 2 बार, उसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या में तो 5 बार जाएगा, यानी कि 13 5 65 और 13 2 26 2 और 5, उसी प्रकार यानी कि 15 का सबसे छोटी संख्या कौन सी है 15, 15 का कितनी बार गया 5 बार, तो इसको 15 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, क्योंकि 15 2 कितना हो जाएगा 30, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 30, और 30 किस ऑप्शन में है दोस्तों, 30 ऑप्शन में है ए ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 36, 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 90, उसी प्रकार 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26, 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 65, उसी प्रकार
को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 5, 4, 9, 20। उसी प्रकार 3, 8, 11, 24, 9, 4, 13 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों मैं हल करवा देता हूँ इनको। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 + 5 कितना होता है? 9 होता है। उसी प्रकार 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया, और 8 में + 3 किया तो 11 हो गया। उसी प्रकार 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 को 4 से प्लस किया तो 13 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? 36 आएगा, क्योंकि और 36 किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 36। दोस्तों मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको इसको। तो दोस्तों ये है, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि ऊपर एक साइड में तो मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, और एक साइड में जोड़ के लिखा गया है। फिर जैसे 3 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया, और 3 में 8 जोड़ा तो क्या हो गया? 11। उसी प्रकार 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 हो जाएगा, और 9 में 4 जोड़ा तो 13 हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 रीजनिंग के पर्सन। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो पर्सन लेके आता हूँ जो आपकी ITBP ट्रेडमैन, एनिमल एंड ड्राइवर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में जैसे कि CISF है, CRPF है, BSF है, असम राइफल है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।